धनबाद की झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास 11 जून 2021 को किया गया। ये सौंदर्यीकरण 14वें वित्त आयोग की राशि से किया जाना है। शिलान्यास के वक्त विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा था कि झरिया के धरोहर माने जाने वाले राजा तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और अच्छी क्वालिटी का काम होगा, क्योंकि राजा तालाब झरिया के दिल की धड़कन है। इस दौरान उन्होंने और भी कई तरह के वायदे किए थे। शिलान्यास के वक्त मौजूद धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा था कि कई बार राजा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए फंड पास हुआ, लेकिन आज तक झरिया की धरोहर माने जाने वाले इस तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। ऐसे में जब एक बार फिर सौंदर्यीकरण के लिए 14वें वित्त आयोग की राशि से फंड पास हुआ है, तो उम्मीद है कि शिलान्यास के बाद निश्चित रूप से ऐतिहासिक राजा तालाब की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। ऐसे में अब तक सौंदर्यीकरण का काम शुरू नहीं होने की वजह से लोगों के बीच तरह तरह के चर्चे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि नेता और अधिकारियों के लिए ये तालाब पॉकेट भरने का एक जरिया मात्र बनकर रह गया है। स्थानीय लोगों की उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है, क्योंकि राजा का जब यहाँ हुकुम खत्म हो गया तो राजा तालाब किस काम का है। आज सब सरकारी अधीन में होने के बावजूद भी सिर्फ जो है कि यहाँ का ठेकेदारों की कमाई होती है और नेता लोगों का जेब भरता है, और उससे अलावा कुछ नहीं होता। जो शिलान्यास हुआ था वो कितने की लागत से लगभग हुआ होगा? इसका तो हम नहीं बता सकते। इसका प्रोजेक्ट तो आप लोग पता करिए, प्रोजेक्ट भवन में क्या इसका रिपोर्ट है, और उसका हम लोग इतना जानते हैं कि करोड़ों का फंड पास होता है, करोड़ों का फंड पानी में चला जाता है। अब विकास के नाम पर एक सीढ़ी भी नहीं बनता है, घाट भी नहीं बनता है। क्या सरकार से कुछ मांग करेंगे? सरकार से मांग तो हम यही करते आ रहे शुरू से भी, बहुत से मीडिया के माध्यम से सरकार से हमेशा मांग करते हैं कि राजा तालाब एक धरोहर है और यहाँ पर एक प्रतीक है, और ये एक बहुत तरह का यहाँ का आस्था लोगों का राजा तालाब पर जुड़ा हुआ है। हिंदू जैसे महान पर्व जो है छठ का जो है यहाँ पर पूजा होती है, फिर क्या होता है कि कोई अपने अपने लागत लगा करके कुछ दिन के लिए सफाई कर देता है और छठ पूजा होता है, फिर जो कहते हैं राजा तालाब बन जाता है। स्थानीय नेता पप्पू सिंह को लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी फंड का बंदरबांट हो गया है। धनबाद झरिया के राजा तालाब में हूँ। ये झरिया का ऐतिहासिक राजा तालाब है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी जो स्थिति है इसकी, जस की तस है। 11 जून को इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी सौंदर्यकरण का काम में हाथ तक नहीं लगाया गया। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पार्षद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि एक महीना से अधिक हो गया लेकिन सौंदर्यकरण का काम नहीं हो रहा है। और यहाँ के स्थानीय लोग यह सोच रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी जो शिलान्यास के लिए फंड आया है उसकी निपापोती हो जाएगी। हम बात करेंगे हमारे साथ जो स्थानीय है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह है, वार्ड नंबर 44 का मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। पप्पू जी क्या कहेंगे, 11 जून को इसका शिलान्यास हुआ और अभी तक इसका ईंट भी नहीं रखाया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए ये काम हम लोगों को आशा जगी थी कि तालाब बहुत जल्दी नगर निगम की ओर से टेंडर हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गई है, बहुत जल्दी काम शुरू होगा। पहला चीज़ कि मानसून सत्र में तो शिलान्यास होना नहीं चाहिए था, जब हो गया तो हम लोगों को लगा कि इस बार तालाब का काम बहुत जल्द शुरू होगा, लेकिन उसी आशा के साथ अभी हम लोग आशा टूटा नहीं है, लग रहा है काम होगा। चूँकि ये इतना तो जानकारी ज़रूर है कि ये तालाब का एग्रीमेंट हो गया है और टेंडर पास हुआ, एग्रीमेंट तक हो गया है, इसलिए आशा है कि काम होगा। लेकिन ये ठेकेदार क्यों सोए हुए हैं इस ये ठेकेदार बता सकता है, क्योंकि ठेकेदार को मैं नाम से जानता हूँ, वो क्यों बैठा है, नहीं कर पा रहा है, क्यों शुरू नहीं कर रहा है, ये बयान वही दे पाएगा। पप्पू जी इससे पहले जब इस फंड आया था उसमें निपापोती भी थी, इसलिए स्थानीय लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इस बार भी जो करोड़ों का लागत से शिलान्यास किया गया है वो निपापोती होगी क्या? देखिए असल में ये तालाब में इतने बार काम हो चुका कि यहाँ के लोगों को अगर मैं बताता हूँ कि शिलान्यास हो गया है, टेंडर हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा कितना टेंडर हो गया, कितना एग्रीमेंट देख लिए और कितना काम होगा वो भी हम जानते हैं। ये लोगों का भरसन हो गया है, लोगों का तो विश्वास उठ गया है, और विश्वास ये कायम इसलिए हो रहा है कि शिलान्यास हुए 2 महीना हो गया, अभी तक एक ईंट नहीं रखाया, तो पब्लिक के सामने थोड़ा सा चेहरा छुपाना पड़ता है। कुछ जिस हिसाब से ऐतिहासिक इसका नाम है राजा तालाब, लेकिन स्थिति आपको क्या लग रहा है, कंगाल जैसी हो गई है क्या? ये स्थिति इतना दयनीय स्थिति है कि मुझे नहीं लग रहा है कि झारखंड में कोई तालाब इस तरह का होगा, जबकि ये पूरे शहर का बीचों बीच तालाब है और मात्र एक तालाब है। जो आस्था का पर्व जो छठ है, ये पूरे झरिया का तालाब अगर मान लिया जाए तो इसी में लोग आते हैं छठ करने,
और पानी के अंदर जाइएगा, हम लोग अपने स्तर से करते हैं, लेकिन पानी का अंदर का जो कीचड़ है उसको तो हम लोग नहीं साफ कर सकते हैं ना, पानी के अंदर जो है, और जो बर्ती होती है उनके पैर में इतने इतने कीचड़ लग जाते हैं, पैर कितने का तो पैर कट जाता है, इसमें शीशा ये सब, इस पर क्या नगर निगम कर रही है। नगर निगम अगर एग्रीमेंट की है, अगर जो मुझे सुनने को सूत्रों के हवाले सुनने को मिला कि एग्रीमेंट हो गई है, अगर एग्रीमेंट हो गई है तो नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पर जोर डाल करके काम स्टार्ट कर रहे हैं। बाबू जी, ऐसे शिलान्यास के कितने दिन बाद काम शुरू हो जाना चाहिए? शिलान्यास हो गया तो सेकेंड वीक काम शुरू हो जाना चाहिए हर हाल में, अगर नहीं हो रहा इसमें अफसर का लापरवाही है। तो आपने सुना कि इनका कहना है पप्पू जी का कि शिलान्यास होते ही काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं कहाँ लापरवाही बरती जा रही है, क्यों अधिकारी सोए हुए हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद है जिस तरह से झरिया का ऐतिहासिक राजा तालाब का नाम है। मैम क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। रेखा जी, ये तालाब कौन सा है, क्या नाम है इसका? राजा तालाब। कितना यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। सब तालाब में देखिए पूजा पाठ होता है, छठ का होता है, हम लोग गरीब लोग जैसे पानी उनी नहीं खुलता है चालू होता है तो हम लोग का तालाब ही स्थिति में काम आता है। 11 जून को इसका शिलान्यास हुआ था, क्या कुछ काम हो रहा अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है इसे अभी? उम्मीद तो किए हैं कि होगा। होगा, उम्मीद है कि होगी, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी लोग, उनसे क्या, आपका क्या नाम हुआ? इसरावती देवी। क्या अभी इसका शिलान्यास हुआ तो क्या काम हुआ अभी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, हम लोग यही सुन रहे हैं कि होगा होगा, कितनी साल से सुन रहे हैं, अबरी बार सब बोल रहा है कि अब की बार नहीं होगा, ये की बार होना ही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा काम, यही हम लोग देख रहे हैं कि कहिया से होगा, कहिया शुरू होगा काम। महत्वपूर्ण है यहाँ आप लोग? बहुत बहुत है, बहुत ही तालाब के लिए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है एकदम कच। इस तालाब में हम लोग पूजा करते हैं तो एक साल हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है, इतना पानी गंदगी है। इसका लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है झरिया वासियों के लिए यह राजा तालाब, लेकिन शिलान्यास के महीनों बीत गए, अभी तक इसका ईंट भी नहीं रखा गया है, लेकिन झरिया वासी अभी भी यह उम्मीद में है कि इस बार शायद करोड़ों की लागत से जो फंड आया है इसमें कुछ सौंदर्यकरण का काम होगा। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।